नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम ही है, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था और टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हरा करके हमें खुश होने का और एक रीज़न दे दिया। आखिरी ओवर तक ये मैच चला, काफ़ी टेंस मैच हो चुका था और लास्ट में जब हार्दिक पांड्या ने 6 मारा तब जा कर के पूरे भारत के लोग चैन से सो सके। पर इसी मैच के दौरान एक घटना हुई जिसकी वजह से अमित शाह के बेटे जयशाह, जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी है फिलहाल, वो ट्विटर में ट्रेंड करने लगे और अलग अलग लोग अलग अलग तरह से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं जयशाह के ऊपर। तो आखिर जयशाह ने ऐसा क्या किया? एक्चुअली मैच जीतने के बाद जब जयशाह के बगल में एक बंदे ने उन्हें भारत का झंडा दिया लहराने के लिए, फहराने के लिए, तो जयशाह ने इशारों में उसे मना कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि जयशाह क्योंकि एक बीसीसीआई सेक्रेटरी है तो कुछ प्रोटोकॉल होता है जिस वजह से उन्हें ये करना पड़ा, पर क्योंकि आपको भारत का झंडा दिया जा रहा था आपने उसे मना कर दिया, तो फिर विपक्षी पार्टी और जो लोग बीजेपी और अमित शाह को नहीं पसंद करते वो लोग को तो कुछ फिर कहने का अच्छा खासा मौका मिला। और क्यों ना कहे, विपक्ष होता भी तो इसीलिए है। तो आइए जानते हैं कि किसने क्या कहा है। अलिंद चौहान कहते हैं, डिड जयशाह जस्ट रिफ्यूज टू होल्ड आवर नेशनल फ्लैग? आप देख सकते हैं उन्हें एक बंदे जैसे ही झंडा दे रहे, देखिए उन्होंने मना कर दिया, बोले ना ना ना। नीमोताई कहती है, भक्स डोंट लाइक मुस्लिम, भक्स डोंट लाइक डायनेस्टीज, भक्स लाइक जैसा, देख रहे हो ना विनोद। क्योंकि बीजेपी हर बार नेपोटिज्म का बात करती है और उसी नेपोटिज्म में कहीं ना कहीं फिट आ जाते हैं जैसा, और जिस वजह से जैसा काफ़ी ट्रोल होते रहते हैं लोगों के बीच में। नीमोताई आगे भी कहती है, जैसा कैन सोशलाइज विद अरब्स, जैसा कैन रिफ्यूज टू होल्ड नेशनल फ्लैग, जैसा कैन सीट विद पाकिस्तान आर्मी चीफ सन्स, इमेजिन दिस बीइंग डन बाय शाहरुख खान और आमिर खान, दैट्स अ प्रिविलेज ऑफ बीइंग जैसा। अब ये तो कहने की बात हो ही गई है, क्योंकि अगर ये कोई और अगर इस तरह से करता तो शायद जो अमित शाह और जैसा के सपोर्ट में रहते हैं वो भी इस तरह से सवाल उठाते कि देखो उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। यहाँ पे बोले भारत कह रहे, भाई अमित शाह सन जैसा डज नॉट वांट टू सेलिब्रेट इंडियाज विन विद ट्राइकलर। तो ये भी एक पॉइंट है दोस्तों, इमेजिन अ प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म हु डिसरिस्पेक्ट्स आवर फ्लैग एंड स्टिल गेट्स अवे विदाउट क्रिटिसिज्म, बॉयकॉट और एन आउटरेज। तो ये भी एक यूजर का कहना है। यहाँ पे कुछ निमोताई ऐसा तो लग रहा है कि बार बार आकर के अलग अलग तरह से कमेंट कर रही है, और उनका सीधा कहना है कि जब जैसा ने झंडे को फहराने से मना कर दिया तो लोग इस पर बवाल क्यों नहीं कर रहे हैं। साकेत गोखाले कह रहे हैं कि बीजेपी आर्ग्यू जैसा डिडंट होल्ड द ट्राइकलर लास्ट टाइम बिकॉज ही वाज देयर एज एसएससी प्रेसिडेंट एंड वाज फॉलोइंग प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे, लेकिन सेम बीजेपी हाउंडेड फॉर्मर वीपी हामिद अंसारी व्हेन ही डिडंट सैल्यूट द फ्लैग ड्यूरिंग रिपब्लिक डे पैरेड एज ही वाज नॉट वेयरिंग हेड गियर। तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी अगर होती इस समय और अगर कोई विपक्ष के नेता ऐसा कर रहे होते तो अभी बीजेपी उन्हें एंटी नेशनल और ना जाने क्या क्या कह करके बदनाम कर दी होती। जयराम रमेश, जो आप जानते ही है कि कांग्रेस के नेता है, उन्होंने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है, मेरे पास पापा है, तिरंगे अपने पास रखो। तो देख रहे हैं किस तरह से जैसा को लोग यहाँ पर ट्रोल कर रहे हैं, ट्विटर में ट्रेंड हो रहे हैं जब से जैसा ने भारत के झंडे को लेने से मना कर दिया है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से लोग जैसा को ट्रोल कर रहे हैं ट्विटर में। अब जैसा ने भारत का झंडा नहीं लिया, अब ऐसा क्या प्रोटोकॉल था एसीसी में कि आप अपने देश के झंडे को भी कुछ सेकंड्स के लिए नहीं पकड़ सकते हैं? ये जैसा को बेहतर पता होगा, या फिर जो प्रोटोकॉल्स जिन्होंने बनाया या जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करते उन्हें पता होगा। पर फिलहाल जैसा ने झंडा नहीं पकड़ा तो लोगों के बीच वो ट्रोल होते नज़र आ रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके बारे में हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।